हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फन फ्यूजन विद इंदु। आज हम बनाएंगे बिना किसी झंझट के झटपट बनने वाली ब्रेड रसमलाई। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कुछ पीसेस ब्रेड के कटे हुए काजू बादाम, किशमिश, एक टीस्पून इलायची पाउडर, आधा टीस्पून चीनी, दो चम्मच गुनगुने दूध में भीगे हुए केसर के कुछ धागे, आधा लीटर दूध। अब हम गैस पर कढ़ाई में रखकर उसमें डालेंगे दूध और उसमें एक बॉईल आने देंगे। अब आप देख ही सकते हैं कि दूध में कितनी अच्छी तरह से बॉईल आ चुका है। अब एक स्पैचुला की हेल्प से चलाते रहेंगे। अब इसी स्टेज पर हम इसमें डालेंगे चीनी। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद डालेंगे इलायची पाउडर। ड्राई फ्रूट्स और दूध में भीगा हुआ केसर। अगर आपको मेरी ये ब्रेड रसमलाई की रेसिपी पसंद आ रही हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको मेरे चैनल की रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब एक स्पैचुला की हेल्प से किनारों की मलाई को हटाते रहेंगे, जिससे हमारी बढ़िया सी रसमलाई तैयार हो जाएगी। आप देख ही सकते हैं कि रसमलाई का कलर भी कितना बढ़िया आया है और इसकी कंसिस्टेंसी भी पहले से थिक हो गई है। तो अब हम इस स्टेज पर फ्लेम को ऑफ कर देंगे और रसमलाई को ठंडा होने देंगे। अब हम लेंगे एक एक कर ब्रेड के स्लाइसेस और उन्हें किसी कटर या ग्लास की हेल्प से सर्कल शेप में कट कर लेंगे। अब हम एक प्लेट में रखेंगे ब्रेड के स्लाइसेस और उन्हें रबड़ी और केसर के धागों के साथ गार्निश करेंगे। तो लीजिए, तैयार है मुंह में मक्खन मलाई की तरह घुल जाने वाली और झटपट से बनने वाली रसमलाई।